पता नहीं, रोन तो पहले ही घुराना शुरू कर दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय रोन भी कह रहा है, रोन रोशन नो कोई आया है क्या? देखिए हमारे घर में है रोशन नो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? बहुत सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं अभी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल, उसी के लिए मैं रेडी हुई थी। तो यहाँ पे कोरियर पड़े हैं मेरे, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक, क्योंकि आज मैंने पहना है तन्नू का ड्रेस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही थी पहनूँ या ना पहनूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ना बाजू से थोड़ा सा टाइट है, तुझे भी है? थोड़ा सा बाजू से टाइट है, बट वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। सो ये है मेरा पूरा लुक, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जंप सूट पहना हुआ है। हाँ, लग रहा है, लग रहा है ना। ये यहाँ पे तो पॉकेट्स भी दे रखी है, तो मुझे नहीं पता था, पर काफी अच्छा है, सुंदर लग रहा है, हल्का भी है, मींस प्यारा सा है, लाइट वेट का। बस ये थोड़ा सा यहाँ से टाइट है, अगर ये थोड़ा सा लूज इसमें साइज ज्यादा नहीं, मेरे डोरे थोड़ा सा मोटे हैं इसलिए लग रहा है, बट वैसे मैं बढ़िया लग रही हूँ। तो ये रहे मेरे पार्सल जो की आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिए थे दिवाली के लिए, रूम डेकोरेशन के लिए। दिवाली आ रही है तो रूम डेकोरेशन के लिए थोड़े से पार्सल लिए। तो सो डोली अभी ये सारे अभी उठाने का कोई फायदा नहीं, ये सारे सारे गिर जाएंगे। तो गाइस, इसमें से कुछ पार्सल है जो कि मैं ना देख चुकी हूँ, क्योंकि ना जब आए हुए होते सफर तो हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ना कुछ तो खोल के पहले ही देख लिए। तो फिर मैंने कहा चलो जो अभी रहते हैं पहले जितने आए हैं उतने ही दिखा देती हूँ, बाकी के ना बाद में दिखाऊंगी। एक यहाँ पे भी पड़ा है, ये ना ये वहाँ पे गिरा। तो गाइस, ये अभी मेरे आधे पार्सल आया है, और जो कि आधे आगे बाकी है ही नहीं। अच्छा सॉरी, तो गाइस कुछ पार्सल ना मैं खोल चुकी थी, क्योंकि ना जो आए हुए थे तो मैंने सोचा कि ना खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि ना देखने का मन था, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पे ना पहले ही कुछ खोल लिए थे, और बाकी के मैंने खोले। खाली नहीं है, ये हल्का है ना, तो इसलिए लग रहा है कि खाली है। जो खोल के देखे पहले वो दिखा देते हैं। चलो ठीक है, जो पहले मैंने खोले थे मैं आपको वही दिखाती हूँ। और खोले के बाद मैंने इसकी पैकिंग पता कैसे करी है, सिर्फ एक ही चीज की पैकिंग करी है इसकी, मुझे पॉलिथिन मिला था, मैंने कहा तो ये गंदे हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर है, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने मीशो से लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, मीन्स इसके जो रोजेज है ना बहुत अच्छे हैं। जो हमने यहाँ पे देख कर आए थे ना वो नहीं थे, मीन्स वो ऐसे नहीं थे, इसलिए हमने वहां से नहीं लिए, पहले ही हमने ऑर्डर कर रखे थे, बट हम यहाँ पे देखने गए थे कि यहाँ पे क्या प्राइस मिल रहा है, कैसे है कैसे नहीं है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे मीशो अगर अफोर्डेबल मिलते तो यहाँ पे ले लेते, बट कॉस्टली बहुत थे, यहाँ पे कॉस्टली बहुत थे, अफोर्डेबल नहीं थे। तो ये अफोर्डेबल है, तो ये मैंने लिया है, ये बहुत सुंदर है। अभी जो हाफ होगा उसके अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, साइड में डेकोरेशन कर सकते हैं इसको। तो जब मैं डेकोरेशन का वीडियो बनाऊंगी वो भी आपको दिखेगा बाद में। तो एक ये है, ये मीशो से लिया था, बहुत अच्छा है। ये मैंने पहले ही खोल लिया था, मैंने पहले ही देख लिया था, इसको मैं दिखाऊंगी आपको बाद में, क्योंकि ये भी मैंने ओपन कर रखे हैं, तो ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है। क्या है वो? ओपन कर रही हूं। अच्छा हाँ, एक अभी ये आया था, तो हम ये भी ओपन करते हैं। इसे मैं कट करती हूँ यहाँ से साइड से, पता लगे। डोली नहीं, वो ऐसे मत करियो, उसमें वो है लाइट्स है। पता लग गया ना, क्योंकि वो बना हुआ है, मुझे तो लगा लाइट नहीं है इसमें। अच्छा, वही है, फ्लावर्स वाली है ना। हाँ, ओ ये तो फ्लावर्स ही है, लाइट्स नहीं है, ये भी वही है। मैं कहूँ कि वाओ, एक फ्लावर निकल के गिर गया यार, कोई ना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यार फ्लावर्स। क्वालिटी कैसी लग रही है? क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी, क्वालिटी भी काफी अच्छी है। जब हम यहाँ गए थे ना तो यहाँ पे हमें मिल रहा था ये बहुत महंगा, ठीक है, और 400 का बोला था उन्होंने, याद है? पूरा बंच हमें मिला है। तनु कितने का मिला तुझे पता है प्राइस? 150 समथिंग, 150 का, और यहाँ पे महंगा मिल रहा था। ये दो बंच मिले हैं काफी अच्छे हैं, एक ये 3B हो गया है, ये भी काफी अच्छा है, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये गिर क्यों रहा है यार, एक आधा गिर रहा है, बट वैसे काफी अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। वो देखो जी, इसको लग रहा है कि मैं आके भाई रोशु नहीं, हर चीज तेरे लिए नहीं होती है। चल चल तू नेक्स्ट खोल डोली, रोन नहीं। सो गाइस, अभी हम खोलते हैं ये नेक्स्ट कोरियर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे रिसीव हुआ था मीशो से। सब मीशो से लिया हुआ मैंने, एक आधी चीज होगी जो अमेज़न से, मीशो के वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी है। चलिए जी, अच्छी मुझे भी डाउट था कि अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अच्छा मिल गया अभी तक तो, फिलहाल देखते हैं बाकी। तो ये जो होते हैं ना रैपर,
पटाखे खेलने के लिए ये काफी अच्छा है। सीजर भी लेके रखी हुई है मैंने। ये जैसे हम इसके अंदर जब मैं डेकोरेशन करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा है यार। ये ओपन कर लाइट वेट है या वेट अच्छा खासा है? ये भी लेकर जाए ना फिर बताती हूँ। वाओ वाओ वेट सही है इसका। ज्यादा हैवी भी नहीं है ज्यादा लाइट भी नहीं है। काफी प्यारा लग रहा है ये। तनु को भी देख ले। क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी। रखियो बहन रख दे। दूसरा भी दिखाऊंगी ना साथ के साथ। रुक जा तू पकड़ के खड़ी रह तब तक। सो यहाँ पे जो बने हुए ना क्रिस्टल डिजाइन बना हुआ है काफी अच्छा लग रहा है यार। मुझे इसके क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। कुछ है काम की चीजें है डेकोरेशन की मतलब अच्छी चीजें। गिर जाए टूट ना जाए। नहीं नहीं ऐसे कैसे टूट जाएगा। तो इसके अंदर जब मैं दिखाऊंगी इसके अंदर वो डलेंगे दिए छोटे छोटे। हाँ। और फिर वो फ्लावर्स डलेंगे। फ्लावर्स डाल के दिए वैसे कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं। और इसी में रखूंगी तनु के साथ। डेकोरेशन का हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब हम सारा सेटअप करेंगे अच्छा वाला। तो हम इसे साथ के साथ ना रख देते हैं कहीं और खाम का कुछ टूट जाए इसमें से बस। अब ये यार मजा आता यार ये चीजें ना ऐसी वाली। तो ये हमने लिए थे कुछ जैसे हमारे सूट्स वगैरह हैं तो ये हमने बैग लिए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। काफ़ी अच्छी है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये। और इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये कुछ इस तरीके से है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है। इसमें हम अपने सूट टोपे टी शर्ट्स वगैरह जैसे अभी गर्मी आ रही है सूट्स वगैरह और सारी सर्दियाँ आ रही हैं सूट्स वगैरह नहीं पहनोगे तो हम इसके अंदर आराम से इसको पैक करके ना रख सकते हैं। खराब भी नहीं होंगे कपड़े सही की सही रहेंगे और स्पेस काफी अच्छी है और उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब मोटा कपड़ा है अच्छा कपड़ा है। दो लिए मैंने यहाँ पे ये दोनों बट काफी बढ़िया है। मैं सोच रही हूँ एक दो और ऑर्डर कर लेती हूँ। अच्छे हैं बड़े तो अच्छे खासे कपड़े आ जाएंगे। इसमें सूट वगैरह हम संभाल के आराम से रख लेंगे। गर्मियों के कपड़े होंगे ना तो अभी हम रख सकते हैं। इसको पता है इसको क्या चाहिए? इसको यही होता है कि कुछ बना रही है वीडियो तो मेरे साथ बैठ जाएंगी और बैठ जाऊंगा ये यहाँ पे आके ना मेरे पास बैठ गया बड़ी वजह से। इसको भी मैं रख देती हूँ। तो ये डेकोरेशन का नहीं है तो इसे हम इस साइड पे रखेंगे। जो डेकोरेशन का है वो इस साइड जो नहीं है वो इस साइड। सो एक ये भी मैंने ओपन करके देख लिया था और ओपन करके देखा था फिर मैंने वापस पैक कर दिया था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसका तो थंबनेल डाला था ना मैंने। अच्छा लाइट्स वगैरह वाला। ओह सॉरी तो मैंने इसको पैक पता कैसे किया था जो ये रैपर था ये तो उसके अंदर था बट इसको मैंने अलग से किया था। अगर मैं तोड़ मारती हूँ ये ओ सॉरी। सो ये है इसके अंदर लाइट वाली लाइट इसके अंदर लाइट डालेंगे और बहुत ज्यादा मस्त लगेगा। ये बहुत सुंदर लग भी रहा था। ये हमने इसके अंदर लाइट ऑन करके देखा था बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा लैम्प जो कि हम जब एंट्री के साइड पे लगा देंगे यहाँ पे काफी अच्छा लगेगा। और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है काफी ज्यादा अच्छी है। आप गिर के देख सकते हो बट मैं गिरूंगी नहीं क्योंकि ये तो टूट जाएगा अगर गिरूंगी तो। बट वैसे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। हैवी है हल्का भी है ठीक है वेट मतलब प्राइस भी इसका अच्छा है काफी। तो आप मुझे बताना अगर आपको लेने हैं तो मैं आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में तो नहीं डालूंगी तो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको शेयर जरूर कर दूंगी। बट और अभी हम इसे भी ओपन करते हैं। सो ये भी मैंने ओपन करके देख लिया था। ये क्या है? ये मैंने लिया है अमेज़न से। ये मैंने रोटी बनाने के लिए बेलन लिया। ये तो दिखा दिया आपको ये लगेगा बेलन। ये कब दिखाया है? आज वाली वीडियो में। अच्छा ये दिखा दिया था। हाँ, इसी के ऊपर डेकोरेट करना है हमने। हाँ, तो इसी के ऊपर करना है तो ये भी मैं आपको सजा के एक बार दिखा दिया था। ये हमने दिखा दिया था। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं मैंने कब दिखाया था। कल ही तो दिखाया था। ये गाइस चकला बेलन नहीं है ये भी डेकोरेशन का सामान है क्योंकि ये सारे इकट्ठे रखे थे ना तो इसलिए मुझे नहीं याद आया कि मैंने कब दिखाया है। अंदर भी कुछ है क्या? नहीं। सो गाइस ये भी आया है अभी इसे ओपन करूंगी और मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है क्या नहीं है तो मैं इसे आपके सामने ही ओपन करूंगी। देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। बीच में मेरा फोन हो चुका था ऑफ। मैंने उसको लगाया पहले चार्जिंग पे तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से प्यार से कट करूंगी कहीं पता लगे जो गिफ्ट हो वो ना कट हो जाए। गिफ्ट नहीं जो भी है अभी तक तो जितने खोले ओपन करे सब अच्छे लग रहे क्वालिटी में है ना अच्छे लग रहे हैं।
नहीं है, तू सामान चूज करके लेती है तनु, एक बात बढ़िया ले लेती है सब कुछ, ये सब चीजें ना तनु ही ऑर्डर करती है अपने मजे से बैठ के। सो ये तो हमने देखा था ना, मुझे लग रहा है तो देख रही देखती है। ये तो कुछ हो गया, ये क्या है, छोटा है बट ये तो यार इसका लोटा तो बहुत छोटा लग रहा है मुझे। ये है सर्वाइवर, ये हम देखते हैं कि ये क्या है। तो यार ऐसे पैक वैक करके दिया है ना, वाओ। हाँ ताकि टूटे भी नहीं ना। वाओ इसमें लगे तो के दिए रोज टेबल के ऊपर रख देंगे। अरे हाँ इसके अंदर हम फ्लावर्स डाल, थोड़ा सा पानी फ्लावर्स और वो टेंशन आ रही, वो तो सब हो जाएगा बाद में। वाओ यार ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये चांद सा बना हुआ है, हाफ चांद कितना प्यारा लग रहा है इसको हम यहाँ पे। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और जो इसके ऊपर कलर वगैरह चढ़ा हुआ है ना वो भी सही है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। थोड़ा सा डल तो नहीं लग रहा कलर, नहीं ज्यादा शाइन वाला नहीं है, मुझे भी थोड़ा शाइन वाला नहीं लग रहा, शाइन वाला नहीं है बट प्यारा लग रहा है। अगर इसके ऊपर हम लाइट है बाद में बताऊंगी, अभी क्यों बताऊ करेगा चीज मस्त का। तो इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बड़ी मतलब अच्छा है काफी, और हल्का भी है, इतना हैवी भी नहीं है, आराम से आप इसको भी डेकोरेशन में यूज करो, बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। और इसकी क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, प्राइस भी सही है इसका। प्राइस मुझे अभी किसी चीज का भी ना ढंग से याद नहीं है तो इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, बहुत ही कम पता होता है प्राइस का क्योंकि बाकी। अभी हम इसे भी ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये ओपन मैंने किया था पहले, ठीक है। तो डब्बे के अंदर भी डब्बा, ये क्या है ये दिखाती हूँ मैं तुझे क्या है। ओह हाँ ये बहुत सुंदर है, ये हमने ली थी जोत जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लगी है मुझे, तो बहुत सुंदर लगी थी ये जब देखी थी मैंने। और इसके यहाँ पे भी सारे स्टोन से लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं काफी ज्यादा, मतलब अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी है। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और ये वाली इसमें ऐसे खोल के ना यहाँ पे बना हुआ ना, हाँ बना सकते इसमें, इसके अंदर डाल सकते हैं आप बट वगैरह या फिर वो मोली वाली जोत, काफी अच्छी लगेगी, काफी यूजफुल है, काफी प्यारी है, हैवी भी है, ठीक है ना, क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी काफी अच्छी है और बहुत बढ़िया है। इस पे जो भी लिए स्टोन से लगे हुए ना ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं, शाइन लग रही है, और इसके अंदर जब जोत चलेगी ना बहुत सुंदर लगेगी, तनु मैं बता रही हूं तुझे। ओके ठीक है, तो गाइस हम इसे भी रख देते हैं वापस पैक करके। डोली इसको फ्लावर कोट डालियो वैसे इसमें, अभी वो वाले फ्लावर्स डालना। अच्छा रुक चलाती हूं डाल के, लगा इसमें फ्लावर, नहीं नहीं उसी में ही डाल के देख एक बार कि कैसे लग रहे हैं साथ के साथ, थोड़ा आइडिया। अच्छा इसमें तो आएगा ही नहीं वो छोटे वाले में, इसमें कैसे रहे, इसमें ये जोत डाल के देख ले, इसमें तो ये बड़े वाले नहीं, इसके लिए तो मैंने लाइट्स ली हुई है, वो अभी आ जाएगी। अच्छा लग रहा है, तोड़ ना दियो बहन, चल बस कोई नहीं, तू रख दे आराम से, चल अब दूसरा खोल। नहीं हट, तो तू सारा सत्यानाश कर दे, अच्छा लग रहा है वो बहुत, है ना, साइज वाइज भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगा निक्के निक्के से ना हो प्रोडक्ट, सही है इसके अच्छे हैं बड़े, काम का है फिर तो। तो ये भी हो गया, ये भी डेकोरेशन का है, हो गया सब ओपन, हो गया ये हो गया, बस फिर तो हो गया ये रह गया, रहता है रुक जा। हाँ एक ये हमने लाइटें ली थी अमेज़न से, तो ये भी काफी अच्छी है, इसका कलर भी प्यारा है बड़ा, मतलब गोल्डन कलर है, कलर है ब्राइट सा, काफी अच्छा कलर है, मतलब बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि मतलब एकदम से वो कर दे शाइन। तो मैं आपको ये ऑन करके भी दिखाती हूँ कि कैसा कलर है इसका, आपको ये तो दिखा डोली बहन कुछ नहीं बैठी, मैं किसी ऐसी पे तो हमारा एक कुरियर था वो दिख रही है, साथ में ही बैठा बस हमारे, वो तो दिख नहीं रहा, तो अभी मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि ये क्या है लास्ट। ये मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रही है, और ये जब हमने यहाँ पे देखा था ना तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सुंदर चीज लेकर मतलब मिली है हमें मीशो से, इसलिए हमने बाहर मार्केट में ली है क्योंकि हमें पता था कि वो अच्छी नहीं है, वो रेंज भी हाई रेंज भी बहुत ज्यादा हाई थी। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, कहीं ये ना हो तुम बहुत ना जाए,
कलर बहुत सुंदर लग रहा है। ये दो का है, दो का नहीं है, चार है, दो पेयर। हाँ हाँ, दो पेयर है, चार मतलब दो पेयर है, चार का सेट है, दो ये और दो ये। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा सुंदर है। और इसकी अभी मैं आपको इसकी जो लेंथ है ना, वो डोली की हाइट जितनी है, यही तो बोलने वाली हूँ। जो इसकी लेंथ है ना, ये पूरी मेरे जितनी है। तो ये बहुत अच्छी है। और जो यहाँ पे हमने देखी थी ना, उसकी लेंथ इतनी थी। एक कमेंट आया हुआ था कि आप मार्केट जाते हो, कुछ लेके नहीं आए, एक ही आया था बस। अच्छा, एक ही आया था, तो हम इसलिए लेकर आए क्योंकि हमने ले लिया था और वहाँ पे हम प्राइस वगैरह देखने गए थे। अगर सस्ता मिलता तो ले लेती। सस्ता ये हमें ना प्राइस मतलब सही मिला, और वो 400 की ये वाली चीजें दे रहे थे, तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि वहां से भी लेनी चाहिए। तो ये मुझे चारों की चारों बहुत अच्छी लगी है। और मैंने मेरे को तो वो लेनी थी यार, मुझे वो नहीं होते झालर, नहीं होते ये जो यहाँ पे ऐसे लटकाते हैं, वो वाली झालर लेनी थी मुझे। वो बहुत सुंदर था, बट वो ना बहुत ज्यादा 600 का दे रहे थे, वो 600 का दे रहा पिंक वाला। हाँ। तो कहाँ से लेती मैं पिंक वाला 600 का, मतलब महंगा सा दे रहा था, इतना वो था भी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये मुझे पसंद आया। तो आप भी बताना कि गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे, मतलब प्रोडक्ट्स सॉरी डेकोरेशन की चीजें कैसी लगी कैसी नहीं। तो आप मुझे कहोगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, और काफी ज्यादा अच्छा है। और एक चीज और थी, वो मुझे अभी दिख नहीं रही, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी और भी कोरियर आने हैं मेरे, तो जब वो आएंगे तो मैं वो भी डाल दूंगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, वो मेरा सेकंड पार्ट हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना ना। वो टेबल पे लगा के दिखाते हैं ना एक बार, क्या वो लाइट वाला सेट करके लाइट तो आई नहीं है, टेबल तो है ना, और उसमें डाल देते हैं ना नॉर्मल लाइट, तो एक बार ट्राई तो करके देखते हैं लास्ट में, ठीक है, दिखा देते हैं। तो अभी मैं आपको ये टेबल इसको फिक्स करके हम सेट करके दिखाते हैं कैसा लग रहा है पूरा। तो अभी हम ना इसको ऐसे बिना लाइट्स के सेट करें, क्योंकि मैंने ना इसके लिए अलग से बहुत सुंदर लाइट ली हुई है, जो फ्लावर्स वाली है, वो जब आएगी ना तो वो हम तब दिखाएंगे। अभी हम ऐसे ही दिखा रहे हैं लाइट ऑफ करके। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ डोली, थोड़ी सी लाइटें गिरी ही रहे, और ये फूल भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है, मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। आप भी बताना आपको कैसा लगा। बट लाइटें हमारी इसमें डालने के लिए दूसरी आ रही है फ्लावर्स वाली, बट ये भी चल गई है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी ये वाले निकाल के वो डाले, रात को ज्यादा ब्राइट लगता है ये, है ना, रात को लगेगा। और ये रहा टेबल का साइज, बहुत अच्छा लग रहा है, टेबल काफी अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी फ्लावर्स भी अच्छे लग रहे हैं, ये रोजेस भी अच्छे लग रहे हैं, और ये लैंप भी, और लाइटें भी, मुझे ये सब कुछ बढ़िया लगा है, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो नहीं अब मैं रात को जब हो जाएगी ना अंधेरा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ये ना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट लगी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।